नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सी टेट को लेके, शिक्षामित्र को लेके और शिक्षामित्र को लेके जो आज अखबार में खबर आई है, कल से इसको लेके सोशल मीडिया पर भी बात चल रही है, उस खबर को भी आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों शिक्षामित्रों की खबर में हम आपको बताएं कि कल एक पोस्ट आई थी और एक विभागीय लेटर था जिसमें शिक्षामित्रों के अकाउंट डिटेल यानी बैंक से डायरेक्ट इनवॉइस मांगी गई थी विभाग से। तो इसका जब सोशल मीडिया पर जिक्र हुआ और लोगों ने बातें की तो पता चला कि इस लेटर का तात्पर्य क्या था, जो आज लगभग अखबार से स्पष्ट हो भी गया है, लेकिन संबंध में हमने कल प्रदेश अध्यक्ष हृदेश द्विवेदी जी से बात की थी तो उन्होंने बताया कि अब आगे आने वाली नई शिक्षा नीति में कई ऐसे बदलाव होंगे जिनको देखकर शायद अचंभित होंगे और इतनी अच्छी सुविधाएं नई शिक्षा नीति में शिक्षकों को, शिक्षामित्रों को दी जा सकती हैं, ताकि इन सभी समस्याओं से जो आज के समय में चल रही हैं निपटारा हो सके। कौन सी समस्याएं? एक तो पहली यही कि अनामिका वाली, अनामिका केस में पता चल रहा है कि वही की डॉक्यूमेंट पर कई जिलों में नौकरी कर रही हैं, तो इस इनवॉइस मांगने वाले लेटर से ये समस्या भी हल हो रही है। एक्चुअली क्या होगा कि सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक का डाटा डायरेक्ट पोर्टल पर अपलोड हो रहा है और वो सीधे शासन के पास है। अब शासन उसी पोर्टल पर शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक इनकी उपस्थिति प्रमाणित देखकर इनको डायरेक्ट मानदेय और वेतन दिया करेंगे। इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि मानदेय में जो थोड़ी बहुत देरी होती थी वो देरी अब नहीं होगी। वैसे तो जो हमेशा वेतन और मानदेय मिलता है वो उपस्थिति के आधार पर मिलता है, तो ये बताया गया कल जब फ़ोन वार्ता हमारी हुई इनसे कि पहले बीओ जो है ब्लॉक पे उपस्थिति प्रमाणित करेंगे, फिर उस उपस्थिति को वेबसाइट पर अपलोड करेंगे जो विभाग की होगी। उस वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद सब शासन से उसी के अनुसार सभी को वेतन और मानदेय डायरेक्ट उनके खाते में दे दिया जाएगा। ये व्यवस्था शायद सितंबर से शुरू हो जाएगी, अभी तो जून, जुलाई, अगस्त ऐसे ही चलेगा, लेकिन सितंबर से व्यवस्था पूरी तरह से हो जाएगी क्योंकि तब तक सभी का डाटा सरकार के पास पहुंच जाएगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही होगा कि जैसे अनामिका की तरह 25-25 जिलों में नौकरी करने वाली अब नहीं ऐसे कोई कर पाएंगे, क्योंकि एक ही प्रमाण पत्र पर दो जगह नौकरी नहीं हो पाएगी जब उनके डॉक्यूमेंट वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे। दूसरा कि जो ग्रांट जारी होती थी, ग्रांट विभाग को जाती थी, विभाग जिले में भेजते थे, फिर जिले के बाद जब वो कोषागार से सभी को मानदेय और सैलरी मिलती थी, वो व्यवस्था भी शायद अब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से उपस्थिति प्रमाणित होते ही उधर से डायरेक्ट खाते में मानदेय और वेतन आ जाएगा। बल्कि इससे संबंधित और भी कई जो वेतन संबंधित जितने भी चक्कर बीएसए ऑफिस में ये काटने या ब्लॉक स्तर पर काटने होते थे वो भी शायद सभी ख़त्म हो जाएंगे, और वेतन और मानदेय को लेके जैसे टीचर रिटायर होते हैं उस समय भी ये सारी समस्याएँ दूर हो जाएंगी। जैसे पहले बताया गया है मानव संपदा पोर्टल से इन सभी का लाभ होगा, तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है कि शिक्षा मित्रों को अब मानदेय वेतन के लिए देर नहीं करनी पड़ेगी। जैसे ही शासन के पास बजट हुआ करेगा वो तुरंत जो है शिक्षा मित्र और अनुदेशक और शिक्षकों के वेतन को खाते में डाल दिया करेगी। ये थी आज की खबर शिक्षा मित्रों को लेके। बाकी हम सी टेट को लेके बताए थे, सी टेट को लेके हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि 5 जुलाई को हो सकता है और उसे डाउनलोड हो सकते हैं हॉल टिकट जल्दी 1-2 दिन में, लेकिन अभी एक बैठक हुई, इस बैठक में सी टेट की परीक्षा ना करने का फैसला लिया है और सी टेट की परीक्षा जो 5 जुलाई 2020 को होने जा रही थी उसको स्थगित कर दिया गया है। अब सी टेट की परीक्षा 5 जुलाई की नहीं होगी, आगामी जब भी डेट होगी उसके बारे में वो वेबसाइट पर ही डाल देंगे। तो फिलहाल परीक्षा स्थगित हो चुकी है, लेकिन आज यूपी बोर्ड के 10th और 12th का रिजल्ट जारी होगा। दोपहर 12 बजे के बाद ये रिजल्ट आ सकता है। 10th और 12th का यूपी बोर्ड का रिजल्ट आज वेबसाइट पर आपको देखने को मिल सकता है। तो आप अगर आपके कोई भाई बंधु, पुत्र या साथी 10th और 12th में है तो आप उनका रिजल्ट आज देख सकते हैं। क्या ये तो नॉर्मली बातें नहीं, अब हम बात करें कुछ नई शिक्षा नीति को लेकर जो हमारी कल हृदेश द्विवेदी से बात हुई, तो उसमें बारे में बताएं कि जब मैंने उनसे कहा कि नॉन टेट शिक्षा मित्रों के लिए क्या व्यवस्था रहेगी नई शिक्षा नीति में,
या टेट पास से छह मित्र अपनी कोर्ट की लड़ी रहे हैं 1976 में अपना अधिकार पाने के लिए। तो नई शिक्षा नीति को लेकर जो उनसे बात हुई वो यही कि ये वैसे इसी सत्र से लागू हो जाती है लेकिन कोरोना के चलते नहीं लागू हो पाई, तो जैसे ही सामान्य स्थिति होती है इसको लागू कर दिया जाएगा, या तो इस साल के एंड तक या फिर रहा तो एक दो साल मतलब एक दो महीने बाद अगले सत्र से ये लागू हो जाएगी। नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्रों का भविष्य सुरक्षित मानते हुए ये बताया भी गया है कि नई शिक्षा नीति में संविदा कर्मी को, ये खाली राज्य की बात नहीं पूरे देश की बात चल रही है कि केंद्र सरकार ने यही कहा है कि नई शिक्षा नीति में हर राज्य को अपने राज्य में संविदा कर्मी, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, पैरा टीचर हो, चाहे गेस्ट टीचर हो, किसी भी नाम से हो, उनको स्थायी करना है, उनको सुनिश्चित करना है। ये नहीं कि जो है उनको निकाला जाए, निकालने की व्यवस्था तब होती जब यूपी में तो वैसे भी संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 130,000 शिक्षा मित्र नॉन टेट में आएंगे और इतने लोगों को निकालना, और निकालना कैसे जब वो प्रशिक्षित हैं, वही सारी योग्यताएँ रखते हैं, तो उनको निकालना ही मुश्किल होगा। तो जाहिर सी बात है कि उनको समायोजित किया जाएगा प्री प्राइमरी स्कूल में। अब प्री प्राइमरी स्कूल में समायोजित करने के लिए सबसे मेन जो प्रश्न होता है इच्छा में मन में वो यही आता है कि क्या व्यवस्था रहेगी। तो ये केवल एक देखिए अंदाज़ा लगाया जा सकता है, इसका अभी कोई आधिकारिक पत्र तो है नहीं जिससे हम कहें कि जो आज हम कहेंगे वही होगा, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो कमेटी बनी थी शिक्षा मित्रों के लिए उस कमेटी की रिपोर्ट में भी नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षा मित्रों के बारे में तय किया गया है, और यही एक रास्ता बता रहे हैं कि इसी से शायद आगे भी शिक्षा मित्रों का भविष्य सुरक्षित रहेगा, कोई भी कोर्ट कचहरी या विवाद नहीं रहेगा जैसा पिछले बार समायोजन पर हुआ। तो इसमें ये बता रहे हैं कि शायद 21,500 रुपये का मानदेय एक महीने का रहेगा, 12 महीने का मानदेय उनको मिला करेगा, और साल में 3% इंक्रीमेंट मिल सकता है। ये तीन चीज़ें अगर रहती हैं तो एक संविदा कर्मी इस सामान्य स्थिति से थोड़ा ऊपर आ जाएंगे। 3% का इंक्रीमेंट आपको पता ही है शिक्षकों को भी मिलता है, और 3% का इंक्रीमेंट अगर संविदा कर्मी को भी मिले तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर होगी, ताकि महंगाई के साथ साथ उनका भी मानदेय नियत समय पर के बाद बढ़ता रहे। अगर नई शिक्षा नीति में ये तीनों चीज़ें हैं जिसमें जो सुनने में आ रहा है, जैसे बता रहे हैं 30 बजे भी उनकी बातें होती होंगी और हम भी उन्हीं के संपर्क में रहते हैं, और भी जानकारी का स्रोत जो भी है उसके माध्यम से यही पता चल रहा है कि शिक्षा मित्र नई शिक्षा नीति में सुरक्षित हैं। बहरहाल एक और चेतावनी यहाँ ये है कि सरकार के जो माध्यम है, सरकार का जो माध्यम है कि वो शिक्षा मित्र सरकार के बारे में क्या सोचता है, उनके प्रति कैसा व्यवहार रखता है, वो सबको वो सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। तो वही बात कही गई है जो जितेंद्र साहब भी कहते हैं, देश बेजी भी कहते हैं, और भी अब तो काफ़ी सभी जी गए हैं सभी लोग कि इस समय सरकार का कोई विरोध ना करे, अभद्र टिप्पणी ना करे। हाँ, जिसको अपना अधिकार पाना है वो संवैधानिक तौर पर अपनी लड़ाई लड़ी रहे हैं, उसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन अनुचित और असभ्य भाषा का कोई भी सोशल मीडिया पर प्रयोग ना करे, एक हद सख्त चेतावनी दी है। तो दोस्तों, नई शिक्षा नीति में और शिक्षा मित्रों के लिए जो आज मानदेय वाली जो बात आई है, दोनों ही बातें बहुत ही अच्छी हैं, और देखते हैं कि ये कितनी सच निकलती हैं, कितनी सफल रहती हैं। ज़्यादा वक्त नहीं है, एक साल से पहले ये सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, जाते जाते हम आपको एक बात और बता दें कि अब प्रदेश में जो ट्रांसफ़र होने जा रहे थे शिक्षकों के, वो ट्रांसफ़र रोक दिए गए हैं, अब किसी भी शिक्षक के ट्रांसफ़र नहीं हो सकेंगे। वैसे तो 68,500 शिक्षक भर्ती के बाद लगभग ट्रांसफ़र की व्यवस्था सब खत्म कर दी जाएगी, अंतर जनपदीय तबादले लगभग ख़त्म हो ही गए हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो ट्रांसफ़र होने वाले थे उन पर रोक लगा दी गई है। दूसरी बात यह है कि हृदेश द्विवेदी की विवादित प्रश्नों का जो केस है वो अभी भी चल रहा है, हमने एक वीडियो में बताया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सभी विवादित प्रश्नों को खारिज कर दिया है, तो वो केवल डबल बेंच वाले केस की बात थी। यहाँ हृदेश द्विवेदी का अभी भी वो केस चल रहा है जिसमें विवादित प्रश्नों को लेके वो अपनी पहल कर रहे हैं। तो ये दोनों खबरें और रह गई थी, हमने वो भी आपको बता दी, और ऐसी ही अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बेसिक शिक्षा से जुड़ी, शिक्षा मित्रों से जुड़ी खबरें हम आपको देते रहते हैं। नई शिक्षा नीति से जुड़ी जैसे भी कोई अपडेट हमें हमारे पास मिलेगी, हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। और
बाकी अपडेट पाने के लिए आप हमें वेबसाइट नीचे www.gobindgopal.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज बस इस वीडियो में इतना ही था, हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।